गाइस, क्या आपको पता है कि इंडिया की लोकसभा में टोटल 552 सीटें हैं, यानी कि पूरे देश से लोकसभा में मैक्सिमम 552 लोग चुनके पहुंच सकते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि उन 552 सीटों में से किसी भी सीट पे 420 नंबर नहीं लिखा गया है? अब क्यों, ये मैं आपको बताता हूं। देखिए, आईपीसी की धारा के तहत 420 नंबर फोर्जरी यानी कि धोखाधड़ी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और इसी वजह से हमारे किसी भी लोकसभा सीट पे 420 नंबर नहीं लिखा गया है। इनफैक्ट जैसे ही 419 नंबर आता है तो उसकी अगली सीट को 420 नंबर की बजाय 419A कहा जाता है। गाइज, क्या आपको ये पहले से इन्फॉर्मेशन पता थी? तो चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और अगर नहीं पता थी तो ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। ऑक्सीजन का सिलेंडर और एम्बुलेंस शहरों में ही नहीं मिल पा रहे तो गांव तो दूर की बात है। ऐसे में अगर गांव में कोई कोविड पॉजिटिव केस आ गया तो उसकी जान कैसे बचाई जाए, ये करके दिखाया जोधपुर के तापू गांव के एक बेटे ने जिसकी माँ कोविड पॉजिटिव थी। अब गांव में तो ये फैसिलिटी है नहीं, तो गांव से अपनी माँ को जोधपुर लेके जाना था लेकिन एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं थी। अब उसने बजाय हिम्मत हारने के अपना दिमाग लगाया और जुगाड़ ऐसा किया कि उसने अपनी पहले पिकअप उठाई और अपने जानने वाले के यहां से ऑक्सीजन जनरेटर मशीन उठाई। अब वो मशीन तो चलती थी बिजली से, इसलिए उस बंदे ने एक जनरेटर किराए पे लिया और अपनी पिकअप के पीछे बांध लिया और उसी जनरेटर के थ्रू ऑक्सीजन जनरेटर मशीन को चलाए रखा पूरे रास्ते और अपनी माँ को गांव से जोधपुर के बढ़िया अस्पताल तक पहुंचाया और अपनी माँ की जान बचाई। गाइस, आपको ये घटना के बारे में सुनकर कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।